नोट 9 प्रो के लिए लेटेस्ट अपडेट MIUI 11.0.8.0 आ चुका है, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि जून का प्रोवाइड किया गया है और कुछ सिस्टम ऑप्टिमाइज एंड बग फिक्सेज वगैरह किए गए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नया चेंज देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई MIUI 12 का अपडेट कब हमें देखने को मिलेगा, तो मैंने प्रीवियस के वीडियो में आपको बताया था कि कब हमें देखने को मिलेगा और कुछ नए डिवाइसेज भी ऐड किए गए थे और दो बैच से उसे 4 बैच के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात कि इतना डिले क्यों हो रहा है अपडेट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है, जिसमें से हमारे MI का मी कम्युनिटी और MI का वीडियो कॉल ऐप भी शामिल है, जिसके वजह से MI के जितने भी पोस्ट वगैरह आते थे MI कम्युनिटी के ऊपर उसे सबसे फिर से रीडिजाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी टीम जो थोड़ी सी बिजी हो गई है और OTA अपडेट को है जो रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा MIUI 12 के ऑफिशियल बिल्ड के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए आपको इस MIUI 11 के सिक्योरिटी पैच वाले अपडेट से ही काम चलाना पड़ेगा। आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।